अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। फितरत, आयशा, हम सब बचपन से लेके आज तक ये बात सुनते आए हैं, सुनते रहेंगे, जब तक ये दुनिया रहेगी ये बात लोग समझाते रहेंगे, कहते रहेंगे कि किसी की फितरत नहीं बदलती। एक कहानी है। एक मेंढक था, मेंढक की दुकान थी दरिया पार। वो रोज अपने रोजगार के सिलसिले में दरिया को पार करके अपनी दुकान पे जाता था, वहां काम करता था। वो सुबह सुबह उठा, काम पे जाने लगा तो रस्ते में उसको एक बिच्छू मिला। बिच्छू से कहने लगा कि मुझे भी दरिया पार करवा दो, मेरा बच्चा बीमार है, मैंने उसके लिए दवाई लेके आनी है। मेंढक ने कहा कि यार तुम खतरनाक हो, तुम्हारे अंदर जहर होता है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। उसने कहा नहीं नहीं यार, मैं बच्चे की कसम खा के कहता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगा। उसने कहा चलो ठीक है। मेंढक ने बिच्छू को अपने कमर पे बिठाया और तैरना शुरू किया। दरिया से गुजर रहा था। आधा दरिया पार हुआ तो उस बिच्छू ने उसको डस लिया। ओए होए होए। जब बिच्छू ने उसको डसा तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान निकलने के करीब गई तो उसने कहा तूने मुझे क्यों डसा, मैं तो मर जाऊंगा, तू भी डूब जाएगा। तो बिच्छू कहने लगा मैं क्या करूं, मैं फितरत से मजबूर। हाय क्या हुआ। हर चीज बदल सकती है, आदत बदल सकती है, सोबत बदल सकती है, रोजगार बदल सकता है, शौक बदल सकते हैं, फितरत कभी नहीं बदलती। और इस कहानी में सिर्फ एक सीखने या समझने की बात नहीं है कि बुरी फितरत वाले लोगों से बचो, एक और बात भी है कि जिंदगी में दरिया सिर्फ अपने जोर पर पार करना है, किसी के जोर पर नहीं। क्या बात, क्या बात। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारी इस खूबसूरत टीम की तरफ से खुश आम दे। शेरा मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और मोहब्बत से यहां से ले जाएगा। बस जो हुक्म रबी इमरान। ओहो बिछड़ा कुछ इस अदा से के रुत ही बदल गई। हाय 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 हाय। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सगावत नाज साहब, साला साल जिन्होंने इस मुल्क में अपने फन से लोगों को खुशियां और मोहब्बतें बांटी, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार हैं। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं, आज वो हमारे साथ मौजूद है। सलामत साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर तालियां जरा। सर 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 सगावत साहब है तोड़े तो बड़ी शेरो शायरी कर रहे ने। सर मैं हुण ही देख रहा सी, सिर्फ मेरी फोटो रह गई सी जिते हार पाउणे सी तुसी बाकी काम सारा तुसी नबेड़ दित्ता सी। कोई गल है इमरान भाई साहब ने करन वाली। सगावत साहब तुसी साडी मोहब्बत ते शक कर रहे हो? हां जी। तुहानू देख के एडा अफसोस। आ देखो मेरी सीट भी पुठी कीती है। बस ठीक है, बस सखावत गल है कि जो अल्लाह नु मंजूर, अल्लाह जिन्हों चाहे से तंदरुस्ती दे दे। देखो जी वक्त का पता थोड़ी लगता। Welcome, welcome. जे हार ना हो
ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਫਿਤਰਤ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਫਿਤਰਤ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਫਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਆਓ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਓ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ फितरत बदल गया है तो पहचानते नहीं यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं आए 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 वाह 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 हनी वर्गा शेर अद्धी राती दरख खड़का के ना बांदर को कह रहा था अब मेरी तबीयत खराब है तेरे को पक्की होनी थोड़ी देर एहो जिहा बीमार शेर निछ मार के ना शिकार दड़ा देंदा हमारे आज के मेहमान हमारे आज के मेहमान सिर्फ हीरो नहीं कैरेक्टर हीरो कुछ लोग होते हैं जो अपनी अदाकारी से हीरो बनते हैं वाह कुछ लोग होते हैं जो नजर ही हीरो आते हैं बचपन से लोग उसे कहते हैं कि हीरो जरा मेरी गल पे सुन अरे वाह ग्रेट एक्टर ग्रेट परफॉर्मर रोल के अंदर ऐसे उतरते हैं जैसे सालों से दुआ कर रहे हो कि या अल्लाह मुझे मौका मिले मैंने उतरना है वाह और दुआ कबूल हो जाए और कोई अपने रब को राजी करने के लिए किसी चीज में उतरता वाँ। वाँ। ऐसे ही ये शख्स अपने किरदार में उतरता है ये वो शख्स है जो बेसिकली एक शरीफ आदमी है अरे लेकिन जब ये बदमाश का रोल करता है टीवी पे ओए 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 तो चुप रहो तो याद होगा आपको सज्जल फिरोज और ये शख्स फिर नीम राजा राजा कर दी ऐसे बहुत से लाजवाब किरदार पाकिस्तान के अच्छे तरीन अदाकारों में से एक अदाकार मेरा और इनका बहुत पुराना ताल्लुक रिश्ता मोहब्बत सब बरकरार है और ताउम्र रहेगा जब तक मेरी सांसें चलती हैं मैं बस मिये मैं ना मिये तुझे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिये आ आ आ तुझे मजाक ना दिखा हुआ आ चबराज चबराज सर सर प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए सर तशरीफ रखिए मेरी तरफ से दुनिया न्यूज की तरफ से मजाक रात की पूरी टीम की तरफ से आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर दिल की गहराइयों से थैंक यू वेरी मच वेलकम करते हैं मजाक रात में और आपका ड्रामा रांझा रांझा कर दी उसमें आपने बड़ा खूबसूरत करेक्टर किया दुकानदार का सबसे बड़ी बात उस ड्रामे की ये थी कि मैं एक करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस के सामने अपना सब्सटेंस लेके खड़ा रहा क्योंकि जो मेरे सामने था वो ऐसा वॉल्केनो था क्या बात वो पूरी दुनिया ने देखा और वो बोला था अरे मेरे लिए सिर्फ अपने आप को उस कैरेक्टर के सामने कंपोज रख के चलना ही मेरी जीत थी चलो अद्धा किलो चीनी सर आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया it's an honor for me. आपकी खूबसूरती का राज क्या है सोने कैसे हैं
आई थिंक जो अच्छा इंसान होता है दिल से ना, अरे उसे वैसे ही सब लोग अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ तो ये कमाल आपका है, मेरा नहीं है। ये तो मेरा हो गया, चले मेरी तरफ से हो गया। लोग ये कहते हैं कि आप वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम, क्या कहती हैं आप इस बारे में आयशा? हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। ऑनेस्टली इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सारा कमाल मेरे माँ बाप का है। सो आई एम हेल्पलेस। आपने माँ बाप पे तो डाल दिया, लेकिन इसको मेंटेन रखने के लिए तो आपका भी कोई कमाल होगा ना? या वो तो ऑब्वियस सी बात है। अभी तो मैं अपने होस्ट को देख के उससे कुछ टिप्स ले रहा था बैक स्टेज के, मुझे बताओ इतना हैंडसम कैसे हो गया ये, क्योंकि हमेशा से मैंने इमरान को गोलू गोलू देखा है, जैसे हम देखते रहे, लेकिन आई एम जस्ट लाइक प्लेजेंटली शॉक्ड एट हिम। सर सर थैंक यू वेरी मच, मेहनत है सर। या और इसने मुझे बताया कि इट्स ऑल अबाउट द डाइट एक्चुअली। जिम में जो है मसल बनता है, ये गलत फहमी है जो दूर होनी चाहिए कि जिम में सिर्फ मसल बनता है, सिक्स पैक किचन में बनता है। जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जीना नहीं चाहिए। ये जीना किसी खातून का नाम है? मैं जीना तेरे नाल। अच्छा है फिक्रा, सरदार साहब भी बड़ा कहते रहे, माँ कहती चावल छोड़ दो, बाप कहते जी रोटी मेरे लिए छोड़ दो, और पारो कहती है घर छोड़ दो। दुकानदार ने क्या, प्लीज उधार छोड़। उधार छोड़ दो, एक दिन इन दोनों ने मां प्यो ने तंग आ क्या, खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। जब भी कोई किरदार करते हैं, पिछले से मुख्तलिफ, पिछले से मुश्किल, पिछले से मुनफरिद, चैलेंजिंग होता है, क्या तरीका कार है एज एन एक्टर, कैसे रोल को कंसीव करते हैं, कैसे रोल में उतरते हैं, कैसे खुद को उस किरदार में डालते हैं, आपके फॉर्मूला, आपके तरीका कार की सबसे सरे फहरिस्त जो बात, जो उसूल है वो क्या है? मेरे जो जो कैरेक्टर्स लोगों को याद रह गए हैं जो अच्छे होंगे, उन सब कैरेक्टर्स में एक ख़ास बात थी कि मैंने टोटली अपने आप को डायरेक्टर के विजन के सपोर्ट कर दिया था। ओके। सो इफ एवरी टाइम, देखो मेरे अंदर तो एक ख़ास रेंज है, जैसे मैं बोलता हूँ मेरी आवाज़ है, वही रिएक्शंस हैं, मैं उसमें कितनी को वेरिएशन दे दूंगा, लेकिन जब मैं अपने आप को निगेट करके डायरेक्टर के माइंड पर चला जाऊँगा तो हर डायरेक्टर डिफरेंट होता है। वो अपने हिसाब से एक नया आदमी दे देते हैं वो लोगों को, यार आपने बड़ा डिफरेंट काम किया, तो वो मेरा कमाल नहीं होता, वो उस डायरेक्टर का कमाल होता है जो निकालता है। क्या मेरा ख्याल है, हमने ये सवाल आज तक जितने लोगों से भी यहाँ किया है, या मैंने टीवी पे जितने भी बाकी शोज या किसी भी पॉडकास्ट या वीलॉग में अदाकारों को इस सवाल का जवाब देते हुए देखा है, सबसे फराग दिली से और सबसे पक्का जवाब अगर किसी शख्स ने दिया है क्या? तो वो सैयद जबरान साहब है। भाई आप थोड़ा सा लेट हो गए, मुझे पूछते मैंने पहले बता देना था। तबीयत कैसी है उनका? अस्पताल से दाखिल होया तो थे कारोबार कर रहे हैं। हाँ। अपना बेड किराया दे के आप थले सुतरा। डॉक्टर ड्रिप ला के गया तो मोकी नहीं सही। क्यों? इन गिलास पा के पी ली। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा क्या खाया? कोई बहुत बड़ा तो नहीं कहूंगा, छोटा मोटा डिसअपॉइंटमेंट्स होती रहती हैं, कुछ वादे होते हैं जो नहीं पूरे होते, लोग करते हैं वो नहीं होते। लोगों ने वादे किए आपसे? यस एब्सोल्युटली। कितने साल पहले? जो सबसे रीसेंट था वो तो कोई 2-3 साल पहले ही था, बहुत बड़ा वादा था नहीं पूरा हुआ। तो वो क्या होता है कि फिर उसकी जगह अल्लाह कुछ ऐसा दे देता है कि आप फिर बाद में सोचते हो कि वो अच्छा हुआ वो नहीं हुआ, वाह क्योंकि कुछ और अच्छा हो गया, और वो उससे बहुत अच्छा। और वाह, मोहब्बत में धोखा हुआ है कभी? हाय हाय, टू बी ऑनेस्ट नहीं, क्योंकि ऐसे लाइफ में जैसे जब सही अकल आई, पहले तो लड़कपन में क्या था आई डोंट नो, बट जब सही अकल आई, होल इंडस्ट्री नो, एवरीवन नोस, जब सही अकल आई और जब मोहब्बत हुई तो मिल गई। वाह हाय हाय, नाले खूबसूरत बंदियां नाल धोखे घट होंदे, धोखे इहो जे नाल होंदे। सर आपके साथ किसी ने धोखा नहीं किया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी प्यारी आपकी आंखें हैं और जैसे आप प्यारे हैं, अब हर किसी की मोहब्बत का जवाब तो आप नहीं दे सकते होंगे, तो क्या दुनिया में ऐसा लोगों को लगा कि आपने लोगों को धोखा दिया है उनकी मोहब्बत पर यकीन ना करके या उसे एक्सेप्ट ना करके?
यार देखो, जानते हुए तो कभी मैंने लाइक डिलिबरेटली नहीं किया, किसी को ना नहीं की, किसी को ना नहीं की जो मेरा कहने का मतलब था कि मेरी तरफ से कभी ऐसा डिलिबरेटली नहीं हुआ कि मैंने किसी को धोखा दिया हो, लेकिन कभी कभी लोग खुद से मोहब्बत कर बैठते हैं आपसे ना, यही सवाल था मेरा, और आपको नहीं पता होता, तो अगर मुझे ना पता हो और किसी का दिल टूट गया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। जिस जिसने आपको बता दिया है उसका दिल नहीं टूटने दिया था। कोई एक चीज जो आप इस इंडस्ट्री की बदलना चाहते हो? हाँ, एक तो नहीं, बहुत सारी हैं, लेकिन अगर एक चूज करनी हो तो एक, देयर इज अ सर्टेन सेल्फिशनेस हर स्टेज पे, विच सॉर्ट ऑफ कंपेटिटिवनेस में भी और किसी दूसरे का भला चाहने में भी, कोई तरक्की कर रहा होता है तो दिल से उसकी तारीफ करने में भी। बहुत अच्छे, देयर इज अ सर्टेन लाइक, मुझे तो फ्रेंकली ज्यादातर उनके वेल विशिंग के मैसेजेस और वो भी आपको कहते हैं सच्ची चीज फील होती है, वो फील नहीं होती। सो आई वुड रियली वांट एवरीथिंग टू बी मोर जेन्युइन। भाईजान, कोई एक ऐसी चीज जो उतार के आप मुझे दे सके? शर्म। मेरे पास भी कम रह गई है। पाकिस्तान की सबसे दिलकश नजर आने वाली अदाकारा कौन है? यार, खूबसूरत का क्राइटेरिया इमरान, यू नो इट्स वेरी डिफरेंट। मेरी फेवरेट सज्जल और सबा कमर है, ये सब जानती है। एक मूवी है जिसमें सबा कमर और सज्जल दोनों हैं, एंड पे किसके साथ आएंगे हीरो? बस मुझे पैसे दे दें, बाकी जो मिले साथ पैसे पूरे दे दें, पावे एक भी ना मिले। जबरान भाई किसम कार भी करो, थोड़ा जा ध्यान कार भी करो। कार भी जाना है मैं बिना रखो करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सबको। सर क्या बात है सर, बिग फैन सर जी, लेकिन सखावत साहब आपकी तबीयत कैसी है सर? आई एम सॉरी, मैं जब से आया हूँ हर कोई इनकी तबीयत की बात कर रहे, मुझे पता नहीं हुआ क्या था। सर ये एक छोटा सा पैगाम है कि तकसीम बंद करो, तकसीम बंद करो। ये जो हम सियासी और नजरियाती बुनियादों पर तकसीम हो रहे हैं, ये तकसीम बंद होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। पहले हम तबकाती तकसीम हो रहे थे और अब हम सियासी तकसीम पे तबाह हो रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि हम तकसीम हो रहे हैं और हमारे मसाइल जर्ब हो रहे हैं। और याद रखिए, एक सिफर जिससे भी जर्ब खाता है उसको भी सिफर कर देता है। बहुत अच्छे, थैंक यू सर। सर एक छोटा सा मैंने शेर लिखा है। अच्छा, इतने मुश्किल लफ्ज बोल के ना, तो मुंह और लम्बा हो गया। लेकिन जो भी है सर, तबीयत तो ठीक है ना आप? सर हमारे सखावत साहब अभी जवाब ही थे सर। अच्छा, भाई ने एदी लत च भी प्लेट पई है। मैं कहा दूसरी च कप पवा ला नाल, तेरा सेट पूरा हो जाएगा। जनरेटर स्टार्ट हो गया। जुदा इंसान से इंसान हो रहा है, कलेजे रोज फटते जा रहे हैं, मुखालिफ हो गए यकता हमारे, और एक हम है कि बढ़ते जा रहे हैं। इख्तलाफात बुला के सबसे मिलो, बिलो ठुमका लगा बिलो। जरा सोचिए कि हम कहां खड़े हैं। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, हमें तकसीम नहीं बल्कि हमें जमा होना चाहिए। वाँ वाँ वाँ। और इसमें भी मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है सर, जो तकसीम होंगे तो कमजोर होंगे,
इकट्ठे रहेंगे तो पुरजोर होंगे, ये झगड़े खत्म जब भी होंगे हमारे तो खुशियों के शुरू दौर होंगे। कब हटेगी आंखों से धूल, डैडी कूल 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 मेरे डैडी कूल कूल कूल। बच्चा बिल्कुल फजूल फजूल सर, लेकिन आप माशाल्लाह सर बहुत प्यारे हैं सर। आयशा कुछ कहना चाह रही हैं आपसे। ये क्यों करते हैं आप, या ये काटने को दौड़ते हैं? This is my nature and my hobbies. Oh, English! Yeah. Oh my God! And, but nature cannot be never change. Oh! This is your hobby. This is the your hobby. Sir, मैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत प्यारे। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मर्द इतना गोरा कैसे हो सकता है सर? कोई क्रीम क्रूम लाते हो ना रात में? सही सही छह क्रीम मिक्स करके बताया सर। मैं एक ही क्रीम लगाता हूँ सुबह भी और रात में, और वो कोल्ड क्रीम, ये जो मॉइस्चराइजर होता है। अरे वाह सर, बस मेरी टांग का ब्रेकअप हो गया सर, मेरी टांग तो। लेकिन सर मुझे आपसे एक छोटा सा गिला करना, अगर आपकी इजाजत हो तो। गिला आपका शो है, आप मुझे इजाजत किस बात की? सर नहीं सर, बेसिक बहुत प्यारे हैं आप, लेकिन इमरान भाई हमारे भाई हैं, इनको कोई तकलीफ हुई तो हमें हुई। आपने इनका दिल तोड़ा है, आप इनके साथ कबूतर देखने क्यों नहीं कबूतर आपने देख लिया इसलिए रो रहे हैं। सर इमरान भाई का यही कहना है कि आ मैं तेरे कुर्बान जाऊं, आ फिर से तुझे कबूतर दिखाऊं। मेरी टांग टूट गई है सर। दूजी भी टूट जानी। लेकिन सर मैंने हौसला नहीं हारा, हिम्मत कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला जल्द दुरुस्त। बाकी जो कुछ ही हो हार गया। खुद के हौसले बुलंद रखो सर, ये एक पैगाम है बहुत खूबसूरत मेरे लिए। अरे मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। क्या बात है। खुद के हौसले बुलंद रखो, जिंदगी माँ नहीं जो तरस खाएगी। जिंदगी माँ नहीं जो तरस खाएगी। खुद के हौसले बुलंद रखो, जिंदगी माँ नहीं जो तरस खाएगी। अपनों ने मुझको कहीं का ना छोड़ा, लाशा बे खबर दादा पस्तौड़ी माँ दरोड़ा। दादा दादा कोई ऐसा किरदार जो आपको लगता है कि आप करते तो बहुत अच्छा करते? मुझे लगता है इवन एज एन एक्टर हर एक को अपनी कैपेबिलिटीज का पता है। आप मुझे कोई भी रोल दे दें, चाहे वो बड़े से बड़े ड्रामा हम सफर हो या मेरे पास तुम हो या कुछ भी हो, मैं सारे रोल कर लूंगा और कन्विंसिंगली कर लूंगा। लेकिन मुझे आज भी डाउट है कि मैं भोले का रोल कन्विंसिंग कर पाऊंगा। अच्छा जी, तो तेन अस्पताल ने मुफ्त दवाइयां जो देती है तो तेन की जरूरत है बाहर जाके तू ओदी कीमत बेचती है? जिब्रान, आपकी फैमिली जब आपके प्लेस देखती है, स्पेशली योर किड्स, तो उनका क्या रिएक्शन? नहीं देखते, नहीं देखते। वाओ, उनको कम ही समझ आती है। हाँ, वो जो एक जिन ज्यादा मैंने किया था वो थोड़ा देख लेते थे, क्योंकि वो विजुअली उनके लिए कैप्टिवेटिंग था। मैंने सुना जिस ड्रामे में आपने बदमाश का रोल किया था, आप घर गए तो भाभी ने दरवाजे नहीं खोला कि चले जाओ तुम बदमाश हो, मैंने दरवाजा खोला। वो कहती है कि ये जो तुम स्क्रीन पे करते हो जैसे देखते हो उनको, मुझे ऐसे क्यों नहीं देखते? तुझे कहना जी उते पैसे मिलते नहीं। Exactly. क्यों नहीं देखते वैसे? यार यू नो यार, आई मीन हम देखते हैं, लेकिन वो चाहती है हम हर वक्त हर रोज देखे। जिब्रान भाई, आप तो बड़ियों के क्रश रहे हैं, कॉलेज टाइम में कोई क्रश आपका? यार मैं ना मुझे रोना आ जाता है। मैं कैडेट कॉलेज में था, ऑल बॉयज था, यू नो सिंस फॉरएवर मेरा जो क्रश है ना वो इमान अली पे था, आज भी है। आज भी है।
इमरान जी, इमरान भाई आप इतने सच्चे हैं, कभी पकड़े नहीं गए। एक्चुअली ये भी एक अच्छी ट्रिक है कि आप इतने सच्चे होते हैं, अगला कहता है मजाक कर रहे हैं। वाह वाह। जब आपका करियर शुरू हुआ तो प्ले बॉय इमेज था आपका बड़ा, तब शादी से पहले? या वेल ऑब्वियसली आई वाज अ सिंगल बैचलर लिविंग इन कराची एंड गॉट फेमस एज वेल। अच्छा। तो फिर कोई मेरा ऐसा कोई लिंकअप, जब तक मेरी बेगम मेरी जिंदगी में नहीं आई थी तो मेरा कोई ऐसे कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं थी किसी एक की तरफ। तो जब आपकी किसी एक की तरफ ऑब्लिगेशन नहीं होती फिर आप सब के होते। तो आप सब के थे? या ऑब्वियसली। ओए यार देखो यार। भाभी से मुलाकात कहाँ हुई थी? वाज इट अरेंज मैरिज और लव? नो, इट वाज वो जो कहते हैं क्रेजी स्टूपिड लव। रियली? या सो मैंने तो 30-31 का हो गया था और शादी का ऐसा मेरा नहीं बन रहा था, ना सिलसिला ना कोई था ऐसा, और घर वाले काफ़ी परेशान थे मेरे, सारे बहन भाइयों की शादियां हो गई थी, बच्चे हो गए थे, मेरी शादी नहीं हुई थी। तो जब मैंने उनको बोला कि यार मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, उन्होंने फिर कुछ ये नहीं पूछा कौन क्या क्या, उन्होंने कहा शादी कर ले जल्दी। बट आई फेल इन लव विद हर, सो दैट्स व्हाई। अरे क्या बात, क्या खूबसूरत जोड़ी है। मेरी वाइफ ने इमरान को काफ़ी इंग्लिश भी सिखाई है। अगर आप लोग कभी मुझे ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं अपनी बेगम को इमरान के सामने बिठाऊंगा और आप लोग देखें, वो एक अपने आप में एक और शो है। वो अगर थोड़ी सी हमें भी सुनने को मिल जाए क्या? वैसे तो वो खुद करे तो वो देखने से ताल्लुक रखता है। आई विल ट्राई के ए यू लुक ऑल राइट, आई एम फीलिंग अ लिटिल थर्स्टी। ओह जिब्रान, आई एम फ्रॉम लंदन, यू नीड अ आपने देखा कहाँ भाभी को? मैंने उनको लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे देखा था। एयरपोर्ट पे देखा? बड़े मुसाफिर किस्म थे आशिक। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं शूट के लिए गया हुआ था, मेरे साथ हुमायूं भाई थे। शूट करनी थी ना तुझे, किसी और काम लाते। मेरे साथ हुमायूं भाई थे और मेरी वहां इससे दोस्ती हो गई, और जितने 10-12 दिन थे ये कहती थी मैंने आना है लाइक मिलने विलाने, तो मैं दूर रखता था इसको, नहीं आने देता था हुमायूं भाई। सरदार साहब ने भी भाभी नूं एयरपोर्ट ते वेख्या सी। अच्छा। उन्हें अगों वेख्या नहीं, ब्लाइंड सी। जिब्रान भाई देखने से शादी तक कितना टाइम लगा टोटल? 8 महीने। 8 महीने, ज्यादा देर नहीं लगाई फिर मैंने। मतलब बड़ी अच्छी बात है, ये भी एक टाइम है, लेकिन प्लीज टाइम लगाना चाहिए। ये हाँ, बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन मेरी और उसकी सिचुएशन भी ऐसी थी, लॉन्ग डिस्टेंस था, इट वुड हैव गॉन। और फिर उधर माई भाई भी थे। जबरान भाई की जब शादी हुई तो भाभी ने कहा कि जबरान देखो हमारी शादी को 1 घंटा हो गया, तो कहते वेख लो कल दियां गल्लां लग दियां। एडा सोहना मुंडा, एडा वड्डा अदाकार मुजाकरात दे सेट ते मौजूद होए, ते स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट दे आज खलो के अगे तुसी सारा सच दसना है, और शुरू हुमायूं भाई तो। शेरा ये। तो ये जबरान साहब, द स्पॉट इज ऑल योर्स। हजारों लड़कियां ऐसी कि हर लड़की पे दम निकले। हजारों लड़कियां ऐसी कि हर लड़की पे दम निकले, पर जिस लड़की पे दम निकले वो अपने घर से कम निकले। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वंडरफुल एक्टर
सैयद जबरान और देखते रहिए क्या मजाक क्लास ये। जी तो हम अब करेंगे पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? दानिया। क्या कहना चाहती है? मेरा सवाल सर जिब्रान से है कि सर जिब्रान आप ज्यादातर एग्रेसिव रोल्स में क्यों देखे जाते हैं? एक्चुअली मुझे लगता है शक्ल से मासूम दिखने वाले जो नेगेटिव रोल्स होते हैं वो लोगों को ज्यादा हिट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शक्ल से बहुत नेगेटिव लगते हैं, वो आपको देखते ही पता चल जाता है ये कोई दो नंबर काम करने तो जो शरीफ शक्ल के पीछे छुपा हुआ भेड़िया आदमी होता है भेड़िया। ज्यादातर लोगों की कोशिश यही होती है नेगेटिव रोल्स ऐसे लोगों दिए जाए, इसलिए मुझे लगता है वो मुझे जान के ये देते हैं और शायद मैं कुछ काम भी ठीक कर लेता हूँ। नहीं आप बहुत ठीक काम करते हैं, बहुत ठीक काम करते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अरे ये आपके एक्सेंट से तो लग रहा है कि आप कहाँ से हैं आप? मैं लंदन से हूँ। वाह क्या बात है, मुझे नहीं पता था मेरे रिश्तेदार भी यहाँ हैं। एक्सेंट में बात करें ना थोड़ी सी जरा। हाय व्हाट्सअप, हाउ आर यू? आई एम ऑलराइट बट आपका नाम? मेरा नाम सना फातिमा। वेलकम टू पाकिस्तान। मज़ाकरात में आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है? आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाट डू यू वांट टू से? जस्ट वन क्वेश्चन दैट आई आस्क एवरीबॉडी। सवाल ये है कि आपसे वो एक बाल बराबर फर्क होता है तकब्बुर में और फख्र में। हाय। वो बाल बराबर जो इधर से उधर हो जाने का जो सफर है या वो कैसे मैनेज करता है एक इंसान? क्या बात, बाल आपके लिए क्या बात है। अ वेरी गुड क्वेश्चन। हर बंदे का अपना एक थेरेप्यूटिक प्रोसेस होता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। इफ यू आस्क मी, माय कनेक्शन विद अल्लाह That keeps me ground. वाह वाह क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जैकेट, क्या पॉकेट स्क्वायर, क्या अंदर ग्रीन सलवार कमीज, मुंडे दे स्टाइल नहीं, तालियां। क्या बात है शहजादा जी। थैंक यू सो मच। इसका तो क्रेडिट मेरी मदर को जाता है, उन्होंने ये डिजाइन किया मेरे लिए। और सर आपके लिए एक तो फ्लावर्स हैं मैं लेके आया हूँ और दूसरा दो तीन अशआर हैं मैं आपके लिए सुनाना चाहूँगा। तो मैं याद लेता हूँ सर आके। सर सर आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। याद रख खुद को मिटाएगा तो छा जाएगा, इश्क में इज्ज मिलाएगा तो छा जाएगा। अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा। उठाएंगे तो होगा नहीं कुछ, तो फकत आंख उठाएगा तो छा जाएगा। और जिस मुसव्विर की ना बिकती हो कोई तस्वीर, तेरी तस्वीर बनाएगा तो छा जाएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। और क्या खूबसूरत रंग है इस, और देखिए मेरे सूट के साथ आयशा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े प्यारे बुंदे पहने हैं बेटा, क्या बात है कपड़ों के साथ। क्या नाम है? तस्बीहा फैसल। तस्बीहा क्या कहना चाहती है? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप एक्टिंग तो करते ही हैं लेकिन साथ साथ आपको ये शो होस्टिंग का आइडिया कहाँ से आया? यहाँ से। और तुमने मुझे ये आइडिया दिया, थैंक यू शुक्रिया।
जी खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। छाए हुए सोशल मीडिया पे। थैंक यू सो मच। आप अपना नाम और अपना तारुफ खुद करवाएं सबको। बेसिकली आई एम एहतिशाम बशीर फ्रॉम बहावलपुर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। क्या और बात और है? जो भी सुनाना चाहते हैं एहतिशाम साहब प्लीज सुनाएं। मेरा फेवरेट सॉन्ग है, अगर आपकी इजाजत हो तो। सर 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 कौन भाई इजाजत है? साजन प्रीत लगा के मत जाना, बहुत अच्छे दूर देश मत जाना, बसो सुंदर मुख दिखला दिखला ना। क्या बात है, गुड बे गुड, वाह वाह जीते रहो, तशरीफ रखो यार। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बहुत वाला भाई। भाई ये रहे अभी ऑन साइड उसके आ गए। गुड बच्चों, बहुत क्या बात, खुश रहो, खुश रहो, तशरीफ रखो, तशरीफ रखो। आपके आने का शुक्रिया सर। सर सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छे, कमाल, क्या बात है आपकी। सैयद जिब्रान साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने सड़क नंगा दियो। आई लव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।